गाइज लास्ट टाइम मैंने आपको सिलेबस लिखवाया था इसमें हमने सेकेंड चैप्टर लिखा था डाटा स्ट्रक्चर इसका एक पार्ट है डाटा टाइप इसको हम स्टडी करेंगे आज इसके टाइप्स को स्टडी करेंगे एंड इसको स्टडी करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बिकॉज हम एच के कंप्यूटर साइंस का सारा सिलेबस करवाएंगे और बायोलॉजी uh, पे भी थोड़ा बहुत फोकस करेंगे ओके okay? इसमें डाटा टाइप्स क्या होते हैं डाटा टाइप्स मीन्स टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डाटा एंड एसोसिएटेड ऑपरेशन फॉर हैंडलिंग इट इसका मतलब क्या है कि डाटा टाइप वो होते हैं जो हमें डाटा को आइडेंटिफाई करने में हेल्प हाँ करते हैं कि डाटा किस टाइप का है वो करेक्टर टाइप का है मींस वो वन वर्ड है ए पी दीज आर ऑल करेक्टर्स वो वन बाइट मेमोरी लेगा अगर इंट टाइप का है इंटीजर टाइप का तो वो टू बाइट मेमोरी लेगा एंड लॉन्ग टाइप का है तो फिर फोर बाइट मेमोरी टेक करेगा फ्लोट है तो भी फोर बाइट मेमोरी ही लेगा If, uh, जो डाटा है वो डबल टाइप का है तो वो एट बाइट मेमोरी लेगा तो डाटा टाइप्स हमें बताते हैं कि किस टाइप का डाटा है और उसके साथ कौन कौन से ऑपरेशन यूज होंगे इसमें जो कैर इंट लॉन्ग फ्लोट, डबल इनकी मेमोरीज हमने देखी हैं ये सारे के सारे हैं डाटा टाइप्स डाटा की टाइप्स हैं और इनकी मेमोरी भी मैंने साथ साथ लिखी है लाइन वाइज कम से लेके ज्यादा तक असेंडिंग ऑर्डर में एंड uh, इसको आप अच्छे से अपने नोटबुक में लिख लें क्योंकि बहुत काम आएगा ये इलेवन में भी जितना ज्यादा काम थे, कि इलेवन में भी काम आएगा और ट्वेल्व में भी काम आएगा दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है देन डाटा टाइप के टाइप्स क्या हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डाटा टाइप इसके थ्री टाइप्स है फर्स्ट इज फंडामेंटल डाटा टाइप फंडामेंटल डाटा टाइप कौन सी होती है जो कि विच आर नॉट कम्पोज ऑफ अनदर डाटा टाइप जो किसी और डाटा टाइप से कंपोज नहीं होती सिर्फ खुद का अपने पहचान होता है उसमें कोई भी अनदर डाटा टाइप से मिलकर नहीं बनी होती है यूजर डिफाइंड डाटा टाइप जो कि यूजर ने खुद ने डिफाइन किए, हैं वो यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स होती हैं। देन थर्ड टाइप्स इज ड्राइव्ड डाटा टाइप, uh, टाइप ड्राइव्ड जो कि फंडामेंटल से कंपोज होके फंडामेंटल से मिलके बनाई गई है उन्हें बोलते हैं ड्राइव्ड डाटा टाइप इस वीडियो में हम आपको फंडामेंटल डाटा टाइप पढ़ाएंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में हम यूजर डिफाइन ड्राइव ये दोनों देखेंगे, ओके okay? इसमें हम फंडामेंटल देखते हैं जो कि किसी और डाटा टाइप से कंपोज नहीं होती इसके टाइप्स हैं फंडामेंटल डाटा टाइप में हम किस किस को स्टडी करते हैं कैर इंट लॉन्ग फ्लोट डबल एंड वाइड ये सारे हम इसमें स्टडी करते हैं इसमें सबसे पहला है इंट डाटा टाइप ये इसमें आई स्मोल आई आता हैलवेज है, स्टार्टिंग में लिखा जाए सेंटेंस के देन इसका आई स्मॉल आता है इसमें कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता विदाउट फ्रैक्शनल पार्ट होते हैं और ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं नेगेटिव भी हो सकते हैं इन किसके लिए यूज किया जाता है इंटीजर के लिए फॉर एग्जाम्पल देखें तो एवन माइनस एवन थर्टी फाइव माइनस थर्टी फाइव ये सारे जो भी इंटीजर में हम स्टडी करते हैं वो सारे हम इसमें पुट कर सकते हैं और ये टू बाइट मेमोरी लेता है टू बाइट का मतलब होता है एट बिट्स आपको यहाँ पे एक और पॉइंट क्लियर कर दू ये भी एग्जाम में आ सकता है कि वन बाइट मेमोरी कितने बिट्स के इक्वल होता है तो वन बाइट इज इक्वल टू एट बिट्स तो उसी के हिसाब से यहाँ पे टू बाइट मेमोरी सिक्सटीन बिट्स के इक्वल हो गई ओके देन कैर डाटा टाइप देखें तो जो कैरेक्टर के साथ काम करते हैं उसे हम कैर डाटा टाइप बोलते हैं कैर ए इज इक्वल टू स्टार इसमें Uh, हमने क्या किया कि कैरेक्टर के साथ काम कर रहे हैं कैर लगा दिया कैरेक्टर के साथ काम करेंगे कैर हो गया कैरेक्टर हो गया स्टार्ट जिसके बाहर से सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगते हैं उसे हम कैर बोलते हैं कैरेक्टर बोलते हैं ओके सिंगल इन्वर्टेड कॉमा मीन्स कैरेक्टर है एस्काई okay? वैल्यू दी जाती है इसमें हर एक कैरेक्टर की अपनी एस्काई वैल्यू होती है डिफरेंट डिफरेंट जैसे कि इसमें स्मॉल ए कैपिटल ए के इक्वल नहीं होता है क्योंकि कैपिटल ए की एस्काई वैल्यू होती है 65 और स्मॉल ए की एस्काई वैल्यू होती है 97 ये हमें मोस्टली uh, बच्चों को नहीं पता होगा बट आप इसे लिख सकते हैं क्योंकि हमारे कंप्यूटर इसी तरीके से इन्हें स्टडी करता है हमने ए लिखा तो वो ए नहीं पढ़ेगा इसको वो इसको 65 समझेगा इसको वैल्यू असाइन कर रखिए कंप्यूटर को इसका वैल्यू असाइन कर रखिए ए का मतलब 65 है ओके देन फ्लोर डाटा टाइप देखें फंडामेंटल डाटा टाइप का एक और पार्ट फ्लोर डाटा टाइप जो कि फोर बाइट मेमोरी टेक करता है इसमें हम डेसिमल पार्ट पे भी काम कर सकते हैं वी कैन वर्क ऑन डेसिमल पार्ट इन इट। इसका एग्जाम्पल होगा ट्वेल्व पॉइंट थ्री फोर फाइव देखो इसमें पॉइंट लगा दिया मीन फ्रैक्शनल पार्ट है डेसिमल पार्ट है इसमें हम वर्क कर सकते हैं फोर बाइट मेमोरी लेता है मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि फोर बाइट मेमोरी लेता है और ये सिग्निफिकेंट नोटे साइंटिफिक नोटेशन में भी काम कर सकते हैं साइंटिफिक नोटेशन वो होते हैं जिनमें बीच में ऐसे ई e का सिंबल बना होता है उसे हम साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं इसके भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो कि हम बी वगैरह में स्टडी करते हैं ये ट्वेल्थ में नहीं आते हैं ना इलेवंथ में आते हैं इलेवंथ ट्वेल्थ में नहीं आते हैं देन नेक्स्ट फंडामेंटल डाटा टाइप का पार्ट देखें दैट इज डबल डाटा टाइप ये भी फ्लोट के जैसा ही है बस इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो डबल डाटा टाइप है ये एट वाइट मेमोरी लेता है वाइट डाटा टाइप वाइट डाटा टाइप एनी वैल्यू इज नॉट एंटर जिसमें कोई भी वैल्यू एंटर नहीं की जाती वर्ड का मतलब खाली होता है एम्प्टी होता है वर्ड मीन्स जीरो ये फंक्शन में यूज किया जाता है यूज इन फंक्शन फंक्शन जब हम स्टडी करेंगे इसमें ड्राइव डाटा टाइप में हम फंक्शन भी स्टडी करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि वर्ड फंक्शन के रूप में यूज किया जाता है एंड जो फंडामेंटल डाटा टाइप था डाटा टाइप का पार्ट फंडामेंटल डाटा टाइप वो हमने आज स्टडी कर लिया है और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम ड्राइव डाटा टाइप को देखेंगे जो कि मैं उसके नोट्स अभी बना रही हूँ ये कंप्लीट नहीं हुए इसमें पांचों पांचों के टाइप्स पांचों आते हैं फंक्शन रेफरेंस सारे मैं आपको कराऊंगी ओके प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल आप आपको हमारी वीडियो को लाइक भी कर दें सब्सक्राइब कर दें ताकि आप जल्दी से जल्दी हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन ले सके और मैं एग्जाम ट्वेल्थ के एग्जाम भी सारे सोल्व कराऊंगी सब कुछ करवाऊंगी प्लीज आप एक सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग प्लीज डू ऑल दिस वर्क्स